प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा पहुंच गए हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे की तस्वीरें, और वहां पर क्या क्रेज प्रधानमंत्री के पहुंचने पर लोगों के बीच में नजर आ रहा है, मोदी मोदी सुनाई दे रहा है। प्रवासी भारतीय अभी प्रधानमंत्री का अभिनंदन कर रहे हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं, अपने फोन में एक तस्वीर उनकी कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं, हाथों में तिरंगा लिए ये प्रवासी भारतीय है। हिरोशिमा की तस्वीरें हैं, जापान से सीधी तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे की संध्या में पर आप देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिरोशिमा पहुंच रहे हैं और प्रवासी भारतीयों के बीच में नरेंद्र मोदी के नाम का क्या क्रेज है, इस नाम का क्या क्रेज है, क्या महत्व है, ये अलग अलग देशों से पहले अंतर्राष्ट्रीय पटल पर आप देख चुके हैं, लेकिन अब तस्वीरें जापान के हिरोशिमा से हैं, जहां पर भी प्रवासी भारतीयों में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर इस तरह का क्रेज नजर आ रहा है कि उन्हें सिर्फ देखने के लिए वहां पर लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, घंटों से इंतजार, और पीएम भी किसी को निराश नहीं करे। हालांकि सुरक्षा प्रोटोकॉल प्रधानमंत्री की किस तरह से होते हैं वो आप सभी ने देखे हैं अलग अलग जगहों पर, लेकिन यहाँ पर प्रवासी भारतीयों के बीच पहुंचकर उन्हें ये सुनिश्चित करते हैं। और देखिए ये अंदाज, एक छोटी सी बच्ची के साथ पीएम ने मुलाकात की, बातचीत वहां पर की, उसके सर पर हाथ रखा। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया की जापान की हिरोशिमा से सीधी आप देख पा रहे हैं, प्रवासी भारतीय पीएम मोदी का स्वागत कर रहे हैं और स्वागत करते हुए तस्वीरें भी क्लिक कराने की यहां पर मंशा सभी की है। पीएम भी सेल्फी क्लिक करा रहे हैं सभी के साथ, किसी को निराश और हताश नहीं किया जा रहा। अब देखिए हर बच्चे, हर वर्ग के छोटे आयु के बच्चे भी आपको नजर आ रहे हैं, महिलाओं की एक अच्छी खासी तादाद वहां पर है, साथ ही बुजुर्ग भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि जिस तरह की नीतियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैश्विक स्तर पर जितना ऊंचा दर्जा और जिस तरह का राजनीतिक कद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, वो यहाँ पर ये जता रहा है कि उनके सिर्फ पहुंचने की जानकारी भर से लोग घंटों तक इंतजार करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और जब अब जापान के हिरोशिमा प्रधानमंत्री पहुंचे हैं, हाथ हिलाकर के सभी का अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और ये तस्वीरें ना सिर्फ हिरोशिमा जापान बल्कि जापान के बाहर भी उनकी लोकप्रियता के मायने समझा रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में अलग अलग देशों में लोकप्रियता का दायरा लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीर दिखा रहे हैं फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर आपको, और आपको बताएं कि यहाँ प्रधानमंत्री की मौजूदगी, चारों तरफ से प्रवासी जो लोग हैं उन्हें घेरे हुए हैं, हर कोई सेल्फी लेना प्रधानमंत्री के साथ चाह रहा है। आपको बताएं कि हिरोशिमा प्रधानमंत्री पहुँच गए, इसके बाद आप साथ ही साथ G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री को शामिल होना है। आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, फिलहाल क्रेज देखिए प्रधानमंत्री को लेकर। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब विदेशों में प्रधानमंत्री पहुंचे हैं तो प्रवासी वहां के जो लोग हैं, जो भारत के लोग हैं, जो वहां उस देश में रह रहे हैं, उनसे ज़रूर वो मुलाकात करते हैं, और जब मुलाकात होती है तो कुछ अलग अंदाज में होती है। वहां मोदी मोदी के नारे लगते हैं, और यहां पर लग नहीं रहा है कि जापान का हिरोशिमा है, ये ऐसा लग रहा है कि भारत की ही तस्वीर है, क्योंकि नज़ारा बिल्कुल वैसा ही है जैसे अमूमन प्रधानमंत्री की रैलियों में देखने को मिलता है। लेकिन ये हिरोशिमा की तस्वीरें हैं, जो भारतीय हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ एक पिक्चर क्लिक करना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, हाथ में तिरंगा झंडा है, जो शान है देश की, आन बान शान तिरंगा, वो हाथ में इनके नज़र आ रहा है। G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री को शामिल होना है, और साथ ही साथ श्रद्धांजलि भी प्रधानमंत्री देने वाले हैं। 78 साल बाद पीएम नरेंद्र मोदी इस शहर में मौजूद हैं, 78 साल बाद, आप इसकी महत्वता समझिए, 78 साल बाद प्रधानमंत्री यहां पहुंचे हैं। जापान पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री को कई कार्यक्रमों में यहां पर शामिल होना है, हालांकि उनकी मौजूदगी है। परमाणु बम के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी प्रधानमंत्री देंगे, इसके अलावा महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण भी होना है, वो कार्यक्रम उसमें भी शामिल होंगे। साथ ही साथ कोरिया, वियतनाम और अन्य देशों के नेताओं, राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होगी। और ये देखिए, कई देशों के दिग्गजों को आपने देखा, और ये द्विपक्षीय जो वार्ता होनी है बेहद महत्वपूर्ण है ये। हालांकि रात में जापान के पीएम फुमियो किशिदा के साथ उनकी बैठक भी होनी है, और एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें प्रधानमंत्री शामिल होंगे। ये पूरा कार्यक्रम प्रधानमंत्री का रहने वाला है हिरोशिमा। हालांकि फिलहाल हिरोशिमा की ये तस्वीरें, लोगों के बीच कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, शाबाशी देते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ बातचीत हो रही है, ऑटोग्राफ प्रधानमंत्री का लिया जा रहा है। और देखिए काफ़ी खुशी होती है, आप किसी अन्य देश में रह रहे हैं और आपके देश का वहां पर मुखिया पहुंच जाए,
वैसा लगता है कि कोई अपना वहां पर पहुंचा है, कोई अपना हमारे बीच मौजूद है, अपनत्व का यहां पर भाव महसूस किया जाता है और वही इन लोगों में नजर भी आ रहा है। देखिए काफी खुशी लोगों में इनके चेहरे पर आप देख सकते हैं, खुशी इनके चेहरे पर नजर आ रही है, वही बयां कर रहा है कि ये कितने ज्यादा खुश हैं। इनके बीच में देखिए पैर छुए जा रहे हैं प्रधानमंत्री के, और ये भारत की परंपरा रही है, जब कोई बड़ा बीच में पहुंचता है, जब कोई बड़ा आपके सामने खड़ा होता है तो आशीर्वाद दिया जाता है। हालांकि देश के मुखिया हैं, देश के प्रधान हैं, और ये देखिए प्रधानमंत्री का आशीर्वाद लेते हुए यहाँ पर कुछ लोग नजर आ रहे हैं। हालांकि छोटे छोटे बच्चे आपने देखा कि उनसे भी प्रधानमंत्री ने बातचीत की, बातचीत बेशक थोड़ी हो पा रही है क्योंकि प्रोटोकॉल है जिसको मानना होता है, जिसका पालन करना होता है। लेकिन ये देखिए एक बार फिर से काफी लोगों की मौजूदगी यहाँ पर, चारों तरफ से प्रधानमंत्री को इन लोगों ने घेरा और यहाँ पर सभी का अभिवादन प्रधानमंत्री स्वीकार कर रहे हैं। ये देखिए जो यहाँ पर खड़े हैं प्रवासी भारतीय, उनको निराश नहीं किया क्योंकि काफी देर से आस लगाए बैठे थे कि हमारे देश के प्रधान यहाँ आने वाले हैं, और जब ये पता चला, जब ये खबर मिली तभी से लोगों की खुशी का ठिकाना नहीं था। अब देखिए जो आगे के कार्यक्रम हमने आपको बताया, उन कार्यक्रमों की शुरुआत होगी, द्विपक्षीय वार्ता भी होनी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, रात में जापान के प्रधानमंत्री से मुलाकात भी है।